ये भारत रत्न है जो मैंने ही पहली बार देखा। भाई प्लीज आना है, क्योंकि ये है वो न्यू बिल्डिंग, तो सीधा अब यहाँ न्यू बिल्डिंग में चलो। आप किसी भी प्रधानमंत्री का यहाँ लेख पत्र ले सकते, देखते हैं क्या क्या चीज़ एक्टिविटीज होती है। दो तो एक्टिविटीज खत्म भी हो। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब। जैसा कि द ट्रैवलिंग वीज में आपका स्वागत है, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं जाने वाला हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय जहाँ पे 14 प्राइम मिनिस्टरों की हिस्ट्री है। तो चलते हैं सीधा प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो गाइस, ट्रैवलिंग करने से पहले और वहाँ जाने से पहले मेरी ये डाइट है आज की जो मैं खा रहा हूँ। और पता है स्टेशन बोटेनिकल गार्डन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय में जा रहा हूँ। आज मेरी विजिट है प्रधानमंत्री संग्रहालय में, तो वहाँ पहुँच कर बात करूँगा सीधा। तो गाइस, मेरी मेट्रो आ चुकी है और अब मैं सीधा यहाँ से राजीव चौक जाऊँगा, राजीव चौक से सीधा जाऊँगा उद्योग भवन। भाई सीधा राजीव चौक से अब येलो लाइन पकड़ते हैं और चलते हैं उद्योग भवन, क्योंकि नियर बाय स्टेशन उद्योग भवन ही है मेरे को जितना पता है, बाकी पता चलेगा वहाँ जाकर। चलते हैं उद्योग भवन। तो उद्योग भवन में मैं आ चुका हूँ और बहुत ही शांत स्टेशन है भाई। आपको 3 मूर्ति के लिए यहाँ से टेम्पो लेना पड़ेगा, क्योंकि आप टेम्पो से ही जा पाएंगे। तो फाइनली ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय, तो अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। यही है प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसमें मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो है जितने भी हमारे इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, उनकी सारे जीवन शैली यहाँ पर है। तो सीधा चलते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। गाइस, कुछ इस हिसाब से आप ले सकते हैं, 100 का टिकट है और उसके बाद अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ एक्टिविटीज करनी है तो वो 50-50 रुपीज़ और देने पड़ेंगे। तो गाइस, ये है वो टिकट, आपको दिख रहा होगा सेल्फी विद पीएम और वॉक विद पीएम। तो गाइस, ये सीधा मैं अंदर पहले घुसा हूँ और घुसने के बाद बात करूँ। तो कुछ इस हिसाब से है प्रधानमंत्री संग्रहालय, चलिए आगे चलते हैं। ये है वो न्यू बिल्डिंग, तो सीधा अब यहाँ न्यू बिल्डिंग में चलते हैं, क्योंकि पहले मैं वॉक विद पीएम और बिल्डिंग से चलने से पहले आपको दिख ही रहा होगा यूथ बहुत सारा यहाँ बैठा हुआ है, यानी कि आज बहुत सारी भीड़ है। बट सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ एक्टिविटीज़ होती है। दो तो एक्टिविटीज़ ख़त्म भी हो गई हैं, बट चलिए चलते हैं सीधा और इन्जॉय करते हैं चीज़ को। तो बहुत ही सुंदर आपके सामने दृश्य, और सामने बिल्डिंग कितनी सुंदर दिख रही है, आपको दिख रही है ना। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो गाइज, ये है वो टाइम मशीन, जिसका मैं नहीं करा पाया क्योंकि ये सोल्ड आउट हो गया है, मतलब फुल थी इसकी सीट। तो गाइज, आपको दिख ही रहा होगा लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत ही अद्भुत कलाकारी आपको बोलते, अद्भुत बैडमिंटन आपको दिख ही रहा होगा। ये कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स विश्वविद्यालय रुड़की लिखा हुआ है कि एक ऐतिहासिक चीज़ है जो आपके सामने दिखा रहा हूँ। गाइस, आपको दिख रहा है ना, धूप का शेड पड़ रहा है और जय जवान जय किसान का नारा बहुत ही सुंदर, इनक्रेडिबल है यार, बहुत अच्छे। जितने भी पीएम बने हैं हमारे यहाँ के, उनकी सबकी हिस्ट्री यहाँ आपको मिलेगी। और अभी मैं आपको दिखाने की और कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ मैं दिखा सकता हूँ। बहुत लोग देख भी रहे हैं, कारगिल का युद्ध दिखा रहे हैं, कारगिल यहाँ, तो ये बहुत लोग देख रहे हैं। चलिए फिर मैं आगे आपको और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ है यहाँ। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं वॉक विद पीएम, आपको दिख रहा है ना। तो इनके लिए अभी टिकट की लाइन लग रही है, तो अभी देखते हैं। तो बहुत देर के बाद आपके भाई का नंबर आ चुका है, यानी कि सेल्फी विद पीएम। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की 3D फोटो आपको प्रोवाइड होगी और मैं कर चुका हूँ, आप सीधा चलते हैं। अब वॉक विद पीएम करते हैं, जो ऐसे हो रही है देख रहे हो, तो यहाँ से वॉक विद पीएम करते हैं, तो चलते हैं सीधा पीएमओ के पास। तो भाई इंदिरा भाई मिले हैं और मैंने बता से हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। प्लीज़, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से प्रधानमंत्री के साथ आपको वॉक करनी है। तो आपको दिख रहा है ना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे ही यहाँ पर आप बोल सकते हैं मैम लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी, एक्स वाई जेड आप जिससे भी बोल सकते हैं। जैसे मेरा मन है मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ करूँगा, तो फिर चलते हैं। तो गाइज, ये भी वही सेम एक्टिविटीज़ है, ये भी 3D है, मतलब आप देख सकते हो मैं नमस्ते कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं वॉक करूँगा,
थोड़ी सी वॉक करके सीधा सामने आपको टीवी स्क्रीन दिख जाएगी, यानी कि ऐसी कुछ इस तरह से मेरे को मिलेगी। अब मैं इन्हें नमस्ते फिर से कर रहा हूँ, देन ये सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद आपको ये सीधा मेल पर आपके पास प्रोवाइड हो। अभी यूनिटी के जो चैन होती है वो मैंने अभी करी है, और चीज़ देखते हैं और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। चलो आप किसी भी प्रधानमंत्री का यहाँ लेख पत्र ले सकते हैं और कुछ भी लिखवा सकते हैं। तो ये है वो ऐसी जगह जो मैंने अभी देखी है, तो फिर आपको मैं आगे दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँगा, मैं फीडबैक दे रहा हूँ जो मैं ये मेरा फोटो है और आपको सामने दिखेगा, मैं ये आ गया, मैं आपको दिख रहा है ना, मैं सामने आपको दिख रहा हूँ। चाहे आप फीडबैक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। कुछ ये इंदिरा गांधी की आपको दिख रहा होगा कि हिस्ट्री है, कुछ जो इन्होंने कदम लिए थे, और ये डेट आपको पता ही होगी गाइस, ये तो डेट सबको ही पता है। तो इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है भाई, आप देख सकते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स कॉपी है सब। तो ये आपातकाल इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, और भाई बहुत ही अलग है क्योंकि ये इंडिया की एक हिस्ट्री है, आपको दिख रहा है ना 1972। चलिए गाइस आगे दिखाते हैं आपको और कुछ कुछ नया। तो गाइस ये कुछ जेल की डायरी आपको दिख ही रही है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए चौधरी चरण सिंह है शायद, हाँ भाई चौधरी चरण सिंह ही हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे की हिस्ट्री देखते हैं, काफ़ी सुंदर चीज़ देखने वाले हो। वाह कितनी सुंदर है यार चीज़, देख रहे हो ना, मुझे तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मतलब मेरी किस्मत है जो मैं आ गया यहाँ। अशोक चक्र आपको दिख रहा है ना, आपको दिख ही रहा है ना, इंडिया का अशोक चक्र एक मतलब अलग ही फील सा हो रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है मतलब हिस्ट्री की एक चीज़ है, और जो मेरे दिल को बहुत करीब हुई वो चीज़ आपको दिमाग में 3D लग रहा है बिल्कुल। तो आपको आने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस एक टिकट खरीदना है मात्र 100 रुपये का। भाई प्लीज़ आना है, क्योंकि मैं भी सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है और हिस्ट्री तो चाहिए ना हमारे इंडिया की, तो यही आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता जो यहाँ आके पता चली है। तो प्लीज़ कहो ना, मैं बात कर रहा हूँ राजीव गांधी जी से, यार मुझे ऊपर याद आएगी, मैं बहुत जल्दी पहुँचूंगा आपके पास। तो गाइस ये था वो मजाक मेरे, ये था PCO जो मेरी बहुत याद थी। मुझे याद है मैं पापा जी से बात करता था, क्योंकि पापा जी बाहर रहते थे उस समय, ना पेजर था ना फ़ोन था, क्या था PCO, उनके पास नंबर था बस, हमारे पास क्या था टाइम और फिर PCO। तो टाइम 5 बजे था, मुझे याद हो रहता था और मैं कॉल करता था उधर, तो बहुत यादें जुड़ी हुई इनसे मेरी। चलिए आगे चलते, तो गाइस मैं बहुत ऊपर से अब नीचे जा रहा हूँ, काफ़ी सुंदर सा रोप है, रोप नहीं बोल सकते, चलने वाला डिस्टेंस ही है, और दो लड़कियाँ चूट। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं गाइस। हिस्ट्री भाई, हिस्ट्री में तो मैं टॉप पे रहा था शायद, हाँ बट नीचे से ऊपर, तो आपको रहना है टॉप पे तो आपको आना पड़ेगा प्रधानमंत्री संग्रहालय पे। चीज़ें और दिख रही है भाई, ये पुराने टाइम के कंप्यूटर है जो हमारे मतलब उस टाइम चलते थे, तो ये भी हिस्ट्री है, आपको दिख रही है ना पुराने टाइम के कंप्यूटर्स की उन्होंने कॉपी बना रखी है, तो ये भी बहुत सही है। तो भाई ये मिसाल तो मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ, भाई भाई घर में बढ़ जाएगी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, जैसे कि इंडिया गेट आपको दिख ही रहा होगा, हावड़ा हावड़ा ब्रिज को आपको पता है भाई, मैं गया था, बड़ा रश रहता है सच में, बहुत ज़्यादा रश रहता है, और गेट फॉर ऑफ इंडिया यानी मुंबई में जो है। तो ये तीनों चारों चीज़ बहुत हिस्ट्री है, कभी आप जाओ और घूमें। मैं बीच में इसलिए रुक गया, ये भारत रत्न है जो मैंने ही पहली बार देखा अपनी लाइफ में, और सामने इतने पास से देख रहा हूँ,
जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था और उनका सर्टिफिकेट है आई थिंक सो, ये 17 मई 2015 को उन्हें मिला था। और गाइस बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ होती है, जो भारत रत्न होता है ना वो गिने चुने इंसानों पर होता है, उनमें से एक थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया इंडिया को यार, बहुत कुछ सच में। मैं बाहर आ चुका हूँ अभी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं तो आपको भी बोल रहा था अभी बार बार कि आपको आना चाहिए, तो कभी आप आओ और इंजॉय करो। और प्लीज़ चैनल को स्किप ना करें, वीडियो को स्किप ना करें, किसी को मत करें और फिर मुझे देखते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। बट फिर भी यार सपोर्ट करें और आगे चलते हैं, आगे और दिखाते हैं कुछ। जाते जाते उस समय की कार आपको सबको याद होगी, जो हिंद मोटर्स कोलकाता में बनती थी, वो थी एम्बेसडर कार। भाई VIP कार थी और एक्सीडेंट का खतरा नहीं था क्योंकि दोनों तरफ से लंबी थी। तो उस समय की VIP कार आप सबके से, वो अपनी मैं आ चुका हूँ बाहर और मैंने बहुत कुछ देखा है जो आपको एक्सपीरियंस अभी दिखाऊंगा मैं पूरे ब्लॉग में। और भाई उम्मीद करता हूँ ये आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, और कृपया करके आपको लगे तो आप दोबारा आ सकते हैं। दोबारा नहीं, पहली बार तो विजिट कर ही सकते हैं, इनफैक्ट दोबारा क्यों बोल रहा हूँ, इनफैक्ट आप कर सकते हैं विजिट। और सच में अगर नहीं करा तो कुछ चीज़ आप भूल जाएंगे, तो आप आए और देखते रहें। ट्रैवलिंग मीन्स यही नमस्ते करता हूँ, यही याद आप करता हूँ, बाय, सत श्री अकाल करता हूँ, टाटा। You say no.